औलाद के लिए दूसरी शादी करते हैं सारे मर्द। करते होंगे। औलाद के लिए 10 शादियां करते होंगे, लेकिन मैं नहीं करूंगा ऐसा। मैं हरगिज इस मामले में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ये क्या हिमकाना हरकत की तुमने? अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारे बेटे को इल्म हो गया तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मौका मुझे कुदरत ने फराहम किया है। मैं तो खुद खामोश होकर बैठ गई थी कि मुझे पता था दानिश इस बात को नहीं समझेगा, लेकिन शुक्र है खुदा का, फिजा को यह बात समझ में आ गई और वो खुद ही इस रास्ते से हट गई। मैं आपको ये सब कुछ इसलिए नहीं बता रही हूं कि आप मुझे बातें सुनाएं, बल्कि मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूं कि आधा काम तो फिजा ने इस घर से जाकर कर दिया है, लेकिन हमें इस काम को पूरा करना है और वो काम है दानिश को दूसरी शादी के लिए रजामंद करना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बेटे की नजर में जलील हो जाओगे तुम, और वो कभी भी इस बात पे राजी नहीं होगा। मैं तुम्हें बताऊं, मैं जानती हूं कि उसे मनाना मुश्किल है, इसीलिए तो आपको इन्वॉल्व कर रही हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो आपकी बात को रद्द नहीं करेगा। और बात को समझने की कोशिश कीजिए अकरम, आप नहीं चाहते कि दानिश की औलाद हो, उसके बच्चे इस घर में आए, और मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रही हूं। औलाद के लिए दूसरी शादी करते हैं सारे मर्द। करते होंगे। औलाद के लिए 10 शादियां करते होंगे, लेकिन मैं नहीं करूंगा ऐसा। मेरी एक ही बीवी है और मरते दम तक यही रहेगी बाबा। तुम फिर वापस आ गई? हाँ, किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम? किसी बात का असर ही नहीं होता तुम पर। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।